जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में एनएक्सी भवन के सभागार में सहज जनसेवा केंद्र संचालकों व वीएलई की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जनपद के विभिन्न विभागों द्वारा अपने विभाग से संबंधित ऑनलाइन विभागीय सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए डिजिटल सर्विसेज को सहज जन सेवा केंद्रों व वीएलई के माध्यम से आम जनमानस को सहयोग प्रदान करने के सभी जनसेवा केंद्र चालकों जनता का सहयोग प्रदान करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा, सरकार की अनेकों योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं तथा उनको बिना परेशानी के, बिना शोषण का शिकार हुए उसका लाभ आसानी से मिल सके, यही हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए। जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जनपद के सभी सहजन सेवा केंद्र चालकों के साथ बैठक की गई है, जिनको सरकार के द्वारा चल रही योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है तथा सहजन सेवा केंद्र संचालकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है तथा सरकार आयुष्मान भारत योजना ई श्रम कार्ड का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दिलाने के लिए निर्देशित किया गया है तथा साथ ही 10 वीएलई को मेडल से पुरस्कृत किया गया है। इस अवसर पर एडीएम ई प्रभुनाथ गुप्ता, एआरटीओ वीके सिंह, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नीरज श्रीवास्तव सहित सहजन सेवा केंद्र संचालक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, सीएससी के माध्यम से आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को अगर सरकारी कामों की सुविधाएं प्रदान करनी हो तो आसानी से ऑनलाइन मिल जाती है। साथ ही साथ आप देखते होंगे, आप कई सारे प्रमाण पत्रों को भी हमारे नागरिकों के लिए उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि आपका हो गया आय जाति, राशन कार्ड, खतौनी की सेवाएं, जो पहले आम नागरिकों को अगर प्राप्त करना होता था तो दफ्तरों में जा जाके चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे क्या होता था, उनका टाइम लॉस होता था, साथ ही साथ देरी भी होती थी, जिससे जो सुविधाएं उनको तय सीमा पर प्राप्त होनी थी वो नहीं प्राप्त हो पाती थी। तो भारत सरकार का यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार का मेन यही उद्देश्य है कि जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन इन सारी सेवाओं को क्रियान्वित करना, जिसके माध्यम से जो आम जनता है उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, हम भी यही पर इसीलिए हैं ताकि आम जनता को सपोर्ट कर सके और इन योजनाओं को क्रियान्वित कर उनको लाभान्वित कर सके। ठीक है, ये योजनाएं क्रियान्वित आप कर पाएंगे जिससे कहीं ना कहीं आपको भी कुछ ना कुछ कमीशन प्राप्त होता ही है और साथ ही साथ जो आम जनता है उनको भी ज्यादा पैसा ना खर्च करके मिनिमम चार्जेस पे ये सारे होंगे। भारत सरकार के द्वारा भी खाद्य एवं रसद विभाग में राशन कार्ड के द्वारा कई सारे राशन कार्ड की सुविधाएं की राशन प्रदान किया जा रहा है, तो आप लोग आम जनता के लिए नवीन राशन कार्ड को अप्लाई कर ही सकते हैं। लोग आपके पास आएंगे और इन सुविधाओं को लाभान्वित होकर के जब वो वापस जाएंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं एहसास होगा कि हम डिजिटल की ओर मूव ऑन हो रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कई सारे जो लोग हैं यानी कि आम जनता है, उन्हें कहीं भी सरकारी विभाग में जा करके इन योजनाओं के लिए बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ते, कम समय पे, कम बचत पे ये सारी योजनाओं का क्रियान्वयन आप अपने पोर्टल के माध्यम से उनके लिए कर सकते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि आप अपने कामों को अच्छे ढंग से करें, जिससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये जो सुविधाएं लॉन्च की जा रही हैं, ये जन जन तक हम इन सुविधाओं को प्रदान कर सके। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं अभी श्रम विभाग के द्वारा श्रमिक पंजीकरण कराया जा रहा है, इसके लिए भी कई सारे लोगों ने आप ही लोगों के माध्यम से ही आवेदन किया हुआ है। ठीक है, और इसका क्रियान्वयन भी लॉन्च हो चुका है, माननीय योगी जी ने भी आप देख सकते हैं श्रमिक के माध्यम से उनको पैसों का क्रियान भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये सारी योजनाएं इसीलिए बनाई गई है ताकि जन जन तक इस विकास कार्यक्रम को हम पहुंचा सके और ये सारी योजनाएं कहीं ना कहीं आम जनता के लिए बनाई गई है और आम जनता इन सेवाओं से लाभान्वित होकर कहीं ना कहीं एक अच्छा काम कर सकेंगे आप भी लोगों के लिए और आम जनता भी इन सारी योजनाओं से लाभान्वित होकर कहीं ना कहीं एक अच्छा महसूस करें। परिवहन विभाग की मैं बात करूं तो परिवहन विभाग के माध्यम से भी हमने कई सेवाएं प्रदान की हैं आम जनता के लिए, जिसमें कई सारे प्रमाण पत्र हो गए, अगर पता परिवर्तन करना हो, अनापत्ति प्रमाण पत्र हो,
ये सारी योजनाएं हमने इसीलिए दी है ताकि आप लोग भी एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सके। और अगर आप लोग को पता है कि आप लोग ये छोटी छोटी योजनाएं हमें एक डिजिटल की ओर अग्रसित करती है, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या चलते थे, एक नॉर्मल लिखा पढ़ी का काम करके ही ऑफलाइन काम करते थे, बट जब ये योजनाएं क्रियान्वित हुई है और ऑनलाइन ये सिस्टम पे हम लोगों ने प्रस्तुत करी है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको क्रियान्वयन पे लाया गया है, तो आपका ही मेन उद्देश्य है कि इन योजनाओं को आगे की ओर क्रियान्वयन करें और इन चीज़ों पे फोकस करते हुए आम जनता के लिए इन योजनाओं को क्रियान्वित रूप से पूर्ण करने के लिए एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर काम करें। ये तो आप सारी तफसीलें जानते हैं कि जन सर्विस सेंटर के माध्यम से कौन कौन सी सुविधाएं दे रहे हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश सरकार की हो या केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो सब जन सेवा केंद्रों के माध्यम से संचालित हो रही है। लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए ये कॉमन सर्विस सेंटर्स ये सब खोले गए हैं कि लोगों को गांव से अपने गांव पर ही सारी सुविधाएं मिल जाए, जितने भी तरह के सर्टिफिकेट्स हैं या जो भी और अपने उनकी टेंशन से संबंधित और भी जो भी उनके जो कार्य हैं वो गांव में ही उनको सारी सुविधाएं मिल जाए, उनको तहसील कलेक्ट्रेट के चक्कर न लगाने पड़े, ये इसका उद्देश्य है। इसमें आपकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आप सेंटर की तरह से काम करते हैं, अगर वहाँ पर किसी ने कोई आवेदन पत्र अपना किसी भी कार्य के लिए अगर अप्लाई किया है तो उसको निश्चित समय पे वहीं पे मिल जाना चाहिए, लेकिन देखा ही जाता है कि अगर किसी ने इनकम सर्टिफिकेट के लिए हो या कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए हो जाति प्रमाण के लिए अप्लाई कर दिया हो उसके बावजूद भी वो लोग तहसील और कलेक्ट्रेट में चक्कर लगाते हैं, चाहे उनकी अज्ञानता की वजह से कि या बहुत लोगों को भी जानकारी भी नहीं कॉमन सर्विस सेंटर भी हैं और उनको वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो आपका आज एक यही यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि लोगों के अंदर भी जागरूकता नहीं है या लोगों को जानकारी का अभाव है, तो आप आपको ये गाँव में प्रचार प्रसार भी इसका करना है और लोगों को अहम जानकारी भी इस चीज को देना है कि यहाँ पर हम क्या क्या सेवाएं देते हैं। आप अपने जो भी सेंटर्स हैं आपके वो बाहर बढ़िया बड़ा से बैनर इस तरह से लगाइए, उसमें जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि सारी सुविधाएं जो आप उसमें देते हैं वो सारी उसमें डिस्प्ले हो रही हो, लोगों को भी जानकारी उसे मिले। अगर आप उसमें थोड़ा सा ब्रीफ अगर उसमें लेते हैं कि क्या और जो कई चीज़ें इसमें ये भी मिलती हैं लोगों को शिकायत के रूप में भी मिलती हैं, आप इसको अदर वे ना कीजिएगा, जो इसके लिए निर्धारित फीस है आपको उतना ही देना चाहिए क्योंकि वहाँ बहुत गरीब से गरीब लोगों के लिए ये योजनाएं जो भी संचालित हैं और उन लोगों के लिए ही ये योजना वहाँ पर दी जाती है, तो हम लोगों को फैसिलिट करने के लिए ना कि उनका कोई शोषण करने के लिए। कई बार जब देखा जाता है कि कोई ऑनलाइन आवेदन कोई नई स्कीम निकलती है और वो सब आदमियों के माध्यम से अगर उसका संचालन होना है तो उसी में ना शुरू हो जाती है कि कोई काम 20 रुपए में हो रहा है तो कोई 50 ले रहा है कोई 100 ले रहा है, आधार कार्ड की चीटिंग का काम भी होता है, नए आधार कार्ड बनने का भी काम होता है, वो सब की चीज के लिए भी बड़ा शिकायत मिलता है। तो कृपया करके ये आप देखिए कि लोगों को हमको फैसिलिटेट करना है और अपनी जानकारी भी आपको रखनी है कि क्यों ऐसा कोई है यहाँ पर कि जो ये सब चीजें नहीं नहीं जानते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर तो चल रहा है लेकिन कोई निकालना नहीं जानते हैं या कोई ऐसा कोई है कोई नहीं। अब हम द्वारा समय समय पे नाम प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना है, इसमें आप 10 लाख तक का ऋण ले सकते हैं, किया गया है 50,000 तक के ऋण को शिशु ऋण कहते हैं और 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक के ऋण को तरुण ऋण कहा जाता है। इन दोनों चीजों के लिए ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग बैंक इसके लिए सारी ब्रांचें प्राइस हैं। तो बोर्ड द्वारा होता है और तीसरा खादी ग्राम उद्योग आयोग द्वारा किया जाता है, तीनों जगह सेम फैसिलिटी है। ना जीरो अकाउंट जो हमारा खुलता भी लीगा वो हमने दिया हुआ था, 2 महीने तक मैं दौड़ता रहा फॉर्म के
तो इसमें आप लोग को पहल करना है, जहां आपके ब्रांचेस हैं उनसे संपर्क करके डिमांड वहां उपलब्ध है, लोग चाहते हैं वित्त पोषण, चाहे वो किसान हो, उद्यमी हो, कोई वहां पे चाहते हैं अपना बैंक का डिपॉजिट आपके पास इकट्ठा करना चाहते हैं, आपके माध्यम से डोर स्टेप डिलीवरी चाहते हैं सर्विसेज का, और रेमिटेंस पेमेंट रेमिटेंसेस के लिए भी आपके पास पर्याप्त मात्रा में बढ़ेगा, और आप बहुत बड़ी रीच कर सकते हैं। गाँव गाँव में देख रहे हैं आप, हर एक गाँव में कम से कम 100 परिवार ऐसे है जिनके पास अच्छा खासा पूंजी है जो इन्वेस्ट करने के लिए, डिपॉजिट के लिए, और लोनिंग के लिए भी आपके पास तो पर्याप्त साधन नहीं। उसके बावजूद अगर हम लोग ये गैप कर रहे हैं, हो सकता है इस मीटिंग से आप ये गैप को क्लोज करें, और मतलब फासला जो है उसको पार करना पड़ेगा। तो नहीं है, और विद्युत कलेक्शन और बिलिंग हमारे लिए इतना बड़ा सरदर्द है, मैं खुद ही देख रहा हूँ इतने सालों से, और आपसे बेहतर कौन हो सकता है। सरकार ने जियो किया है, लेकिन अभी इस जनपद में वो टेक ऑफ नहीं हो पाया, इसमें अच्छी चर्चा हो जाए। आज एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें हमारे सभी विलेज लेवल के एंटरप्रेन्योर जो जनसुविधा केंद्र चला रहे हैं उनको विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, उनके जितनी भी समस्याएं उसको निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को सामने सामने बैठा के निर्देशित किया गया है, और विभिन्न योजनाओं में आच्छादन बढ़ाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। और जैसे आयुष्मान भारत योजना, हमारे ई श्रम योजना है, हमारे विद्युत विभाग में कलेक्शन की व्यवस्था है, शिक्षा विभाग में, और विभिन्न योजनाओं में, क्योंकि ये गाँव में जुड़े रहते हैं, लोग गाँव में इनके सेंटर बने हैं, सभी चीज़ें ऑनलाइन की गई हैं, तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका इसके संबंध में इस कार्यशाला की गई। अच्छे माहौल में आज ये कार्यशाला का आयोजन हुआ है, और सब ने सक्रियता के साथ बेहतर व्यवस्था देने के लिए, ताकि लोगों को पारदर्शितापूर्वक प्रशासन की सेवाएं मिलें, इसके लिए कटिबद्ध प्रयास करने का आश्वासन भी दिया है। सर, कुछ लोगों को पुरस्कृत भी किया गया। आज 10 VLE जिन्होंने गत वर्ष में बहुत ही सराहनीय योगदान दिया है, उनको पुरस्कृत भी किया गया, और इस तरह निरंतर व्यवस्था रहेगी जो अच्छा काम करने वालों को बढ़ावा मिलता रहेगा। हमारे पास साधन हैं टी डुप्लीकेशन और अन्य व्यवस्थाओं में, इसे ये फायदा होता है ऑनलाइन प्रणाली तकनीक का प्रयोग करने से, शासन के मंशानुरूप इसमें कार्य हो रहा है, और अगर कहीं पे गलती होती है या कहीं पर अनियमितता होती है तो उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।